सो है गाइस, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। यार इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं हमारे ध्रुव राठी के इस बुढ़ापे की, जिसके चैनल का नाम है कि देशभक्त। अब ध्रुव राठी जैसा ही कंटेंट बनाने के बाद भी इस बंदे के चैनल का नाम देशभक्त सुनकर तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना। अच्छा, क्योंकि ये बंदा सच में देशभक्त है। हाँ, बस है किस देश का वो तुम्हें इसके कंटेंट को देखकर पता लग जाएगा। समझ रहे हो कि ये पिक्चर न्यू इंडिया की इनसिक्योरिटी को पहचानता है, उनके नफरत के प्यास को बुझाता है। हो गए बकचोदे। खैर, अब ध्रुव राठी का फैन क्लब चलाने वाले उसके इस एडमिन ने अपने चैनल पर रिव्यू किया द केरला स्टोरी मूवी का। अब यार मुझे मूवी के रिव्यू करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार सबका अपना अपना ओपिनियन होता है कि उन्हें मूवी कैसी लगी। बात तो सही है, लेकिन इस बंदे ने खुद की देखी हुई मूवी का रिव्यू करने के लिए जो दूसरों के भेजे हुए स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है ना, बस उसी भरेपन से मुझे दिक्कत है। और ये एकदम क्लियर तरीके से इस्लामोफोबिया को आपके थाली में परोस के देता है। फैक्ट्स गए तेल लेने। क्या भोसड़ा पप्पू है ये। तो अब इसके हिसाब से ये मूवी एक इस्लामोफोबिक मूवी है, मतलब कि इस मूवी में लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़काने का काम किया गया है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अब इस बुढ़ापे के शुरुआती दौर की बात सुनकर मैं ये मान लेता हूँ यार कि चलो ये मूवी एक इस्लामोफोबिक मूवी है, लेकिन वहीं ये दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्टर्स को पोक करते हुए ये बता देता है कि उनको इस मूवी को देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस मूवी में उनका कुछ फेवरेट टॉपिक्स के बारे में बात करी गई है। पिक्चर के हिट होने की सारी सामग्री तो पहले से ही वहाँ मौजूद है। हिजाब है इस पिक्चर में, लव जिहाद है, टुकड़े टुकड़े गैंग भी है, आईसिस का है, गजवाए हिंद है, अरे कम्युनिस्ट बैशिंग भी दे के रखा है। अब ये खुद ही बता रहा है कि इस मूवी में हम लोगों को लव जिहाद, आईएसआई और गजवाए हिंद जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, कि कैसे इन सब चीजों का इस्तेमाल टेररिज्म फैलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ गया। और ये बात तो तुम लोग भी जानते होंगे यार कि ये सारी चीजें कानूनी तौर पर तो गलत हैं, लेकिन इस्लाम को मानने वाले लोग भी कहते हैं कि भाई इन सब चीजों की इजाजत इस्लाम भी नहीं देता है। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार कि जब इस मूवी में उन चीजों की बात करी गई है जिन चीजों की इजाजत की इस्लाम खुद भी नहीं देता है, तो यार फिर ये मूवी एक इस्लामोफोबिक मूवी कैसे हो गई? और ये एकदम क्लियर तरीके से इस्लामोफोबिया को आपके थाली में परोस के देता है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लो कंट्रोल। दाओ माना कि बारूद जैसा रंग है तुम्हारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आग लगाने का काम करो। ये इस्लाम माइंडसेट से लोगों को मूवी दिखाने का अपना भड़काओ एजेंडा छोड़ो और ऑडियंस को सही बात बताओ कि अपने खुद के सेंस और से बिना किसी धर्म वाले माइंडसेट के हिसाब से मूवी को देखना। समझ में आ रहा है? तकलीफ बस इसी बात की है कि ये मूवी अपने आप को सच बताने पर तुला हुआ है, बार बार यही बोलता है। अगर केरला स्टोरी अपने आप को एक वर्क ऑफ फिक्शन बताती, लूसली इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स बोल देती, तब मैं भी खुशी खुशी ये पिक्चर देखता। अब यार बुढ़ापे और जवानी के बीच की लकीर बने हमारे ताऊजी या तो सच में अंधे हो चुके हैं, या फिर ये सब चीजें बोलने के इन्हें पैसे मिले, या उस पैसे के पीछे अंधे बनकर बैठे हुए हैं। गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बोल रहा है कि ये मूवी खुद के कम्प्लीटली फैक्ट बेस होने का दावा करती है। ये मूवी अपने आप को सच बताने पर तुला हुआ है, बार बार यही बोलता है। तो ऐसे में तुम्हें इस फिल्म के टीजर से लेकर मूवी तक में कहीं पर भी मेंशन नहीं दिखाई देगा, बल्कि मूवी और उसके ट्रेलर के स्टार्टिंग में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। देख रहे हो? और जो ये बात कर रहा है इस मूवी के वर्क ऑफ फिक्शन होने की, मतलब कि काल्पनिक कहानी होने की। अगर केरला स्टोरी अपने आप को एक वर्क ऑफ फिक्शन बताती तो मैं इसका थूकावा इसे फिर से चटाता हूँ, क्योंकि इसने खुद अपनी वीडियो में बोल रखा है या फिर इसकी जुबान फिसल गई थी इसलिए निकल गया। केरला स्टोरी के जैसे ही चार लड़कियों की रियल लाइफ कहानी है। तो क्या इस शालिनी की स्टोरी क्या पूरी तरीके से झूठ है? नॉट रियली। चार ऐसे नोन केसेस हैं जहां लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ रिलीजियस कन्वर्जन के बाद अपनी मर्जी से सीरिया गई, फिर हस्बैंड मारे गए वॉर में या टेररिज्म में। बताओ, अरे लीचड़पने के साइन बोर्ड, जब चार लड़कियों के साथ रियल लाइफ में ये इंसिडेंट हो चुका है, तो फिर ये मूवी एक वर्क ऑफ फिक्शन से काल्पनिक मूवी कैसे हो गई? नहीं, बिल्कुल ही अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, सुअर हो, औसड़ी वाला क्या हो तुम? अब ये कौन बोल रहा है कि भाई इसकी बातों में लॉजिक मत ढूंढ, क्योंकि इसने लॉजिक के नहीं बल्कि लालच के बेस पर ये वीडियो बनाई है। बेशरम आदमी। खेल खेला गया है द केरला स्टोरी में, वो ये है कि आइसिस का यमन सीरिया में होने वाला सच को केरला से कितनी बखूबी लिंक किया गया है, जोड़ा गया है और अपने एजेंडे को आगे लिया गया है कि अब अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे ताऊ यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो मूवी में टेररिज्म और केरला का कनेक्शन दिखाया गया वो सिर्फ एक एजेंडा है। यमन सीरिया में होने वाला सच को केरला से कितनी बखूबी लिंक किया गया है, जोड़ा गया है और अपने एजेंडे को आगे लिया गया है कि भोसड़ी के पागल है क्या? नहीं, अभी ये जिन चार लड़कियों की रियल लाइफ स्टोरी होने की बात कर रहा था, उन्होंने भी अपने स्टोरी में बताया कि कैसे केरला में होने वाला कन्वर्जन और टेररिज्म आपस में कनेक्टेड है। बात करें अगर हादिया केस की, तो उस केस में कुछ ऐसे क्लूज मिले जिनसे
इस कन्वर्जन ऑपरेशन के कन्वर्ट करके हिंदू और क्रिश्चियन वुमेन को आईसीस भेजने वाली क्लेम को एक बड़ा सपोर्ट मिला, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पर जिस हादे केस की बात हो रही तो वो भी उन्हीं चार लड़कियों में से एक है जिसका कि पहले केरला में कन्वर्जन कराया गया और उसके बाद उन्हें सीरियस सदस्यों में जाकर टेररिज्म के साथ जोड़ दिया गया। और इसके बाद भी ये बोल रहे कि भाई ये तो सिर्फ एक एजेंडा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सीरिया में होने वाला सच को केरला से कितनी बखूबी लिंक किया गया है और अपने एजेंडे को आगे लिया गया है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के, छोड़ो। कोई फैक्ट्स नहीं दिए जाते हैं, कोई डेटा नहीं दिया जाता है, कोई प्रूफ नहीं दिया जाता है। तो हमारे इस ताव को काफी लोगों की तरह इस बात से भी किला से भाई, जब 5 महीने पहले रिलीज हुए टीजर में 32,000 लड़कियों के बारे में बताया गया था तो फिर उतनी लड़कियों के गायब होने के प्रूफ कहाँ हैं? 32,000 मिसिंग, इसका ना कोई सबूत दिया गया है, ना कोई एविडेंस क्रिएट किया गया है, बस एक जिंगोइज्म बनाया गया, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। क्या सोच है रे तेरी? वैसे ताओ ने बात तो बिल्कुल सही करी, लेकिन यार इसी पॉइंट के लिए बार बार मूवी का क्रिटिसिज्म होने की वजह से मूवी के कुछ दिनों पहले आए हुए ट्रेलर और सारी मूवी में भी तुम लोगों को 32,000 लड़कियों के गायब होने की कोई बात नहीं सुनाई देगी। इनफैक्ट इस पूरे 2 घंटे 18 मिनट के पिक्चर को देखने के बाद 32,000 का आंकड़ा सिर्फ एक बार मेंशन होता है इन पासिंग एज अ क्लेम। मतलब क्या, टीजर आउट होने के बाद टीजर को इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद उन लोगों ने अपनी गलती को सुधारा है। चुप करे मैनेजर। लेकिन वही 32,000 के उस नंबर के बेस पर पूरी मूवी को एजेंडा बताने वाले ये लोग ये नहीं बता रहे कि भाई 32,000 ना सही लेकिन जितने भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है तो उन लड़कियों की स्टोरियों से ये मूवी कितनी रिलेट करती है। लेकिन तब भी 32,000 थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बदल ले। नहीं, 32,000 बोल के जो इन लोगों ने मूवी के पर्पस को मार के प्रोपोगंडे में बदल लिया है ना, बस एक जिंगोइज्म बनाया गया, एक प्रोपोगंडा बनाया गया। तो इससे कम इफेक्टिव तो लड़कियों का सिंपथी लेकर किया जाने वाला मैनिपुलेशन होता है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। खैर जो अब अगर तुम लोगों ने मूवी देख ली तो तुम कमेंट करके बता सकते हो यार कि तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और बाकी यार अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार वो भी जरूर से कर देना। थैंक्स, लव यू। बाकी अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।